वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो यू एज नो और हम सब भी यहाँ से जा रहे हैं, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था सब शादी वाले घर में, तो हम लोग भी जा रहे हैं। तो सबके तो बैग वैग तैयार है, पुन्नु भी और ऊपर चले गए हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ऊपर जाना पड़ता है। ये है हमारा घर, मतलब ये नहीं, ये वाला पेड़ों के पीछे। सब ऊपर जा चुके हैं, बस यहाँ पे भैया और मैं अभी और ध्रुव, और ये लोग अभी आएंगे धीरे धीरे। मैं और भैया ऊपर पहुंच गए बहुत ज़्यादा रेस्ट लेने के बाद, और अभी किसी का कुछ नहीं पता कहाँ पे कौन है। बस मैं और भैया पहुंच चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं गाड़ी के पास। वो बहुत हालत ख़राब होती है यहाँ पे हमारी गाड़ी भैया, और इतना नीचे है ना वो। हम मस्त पानी वानी पी के आराम से उस घर में और रेस्ट करते करते आ रहे थे। अभी किसी का कुछ नहीं पता कि आधे वहाँ गए हैं या आधे इधर आ रहे हैं। दो गाड़ियाँ हैं ना क्योंकि हम पे, और वो ऊपर वाले घर जहाँ शादी थी, हमारा घर नीचे वो दिखेगा नहीं क्लियरली। व्यू के चक्कर में हालत ख़राब हो गई हमारी। और यहाँ पे बहुत सारे केले के पेड़ हैं, और जगह जगह पे लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं लोग, क्योंकि फिर इनके चूल्हे रखे ना इन्होंने, तो उसमें आग जलाने के काम आते हैं। लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं, घास काट के ले जाते हैं गाय भैंसों के लिए। और वहाँ पे अभी रोड बन रही है धीरे धीरे, बस नीचे तक रोड आ जाए ना फिर बहुत अच्छा होगा। वो वहाँ ले जाना पड़ेगा, वहाँ नीचे अभी फ़ोन आया है कि वहाँ वहाँ पे उस रोड पे आना है, क्योंकि वहाँ तक रोड बन गई लेकिन अभी कुछ पक्की वक्की है नहीं, थोड़ी बहुत रोड है। यहाँ पर दुकान है, यहाँ पर सब्जी वब्जी सब मिलती है। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो, 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 जय माता दी। गाइस यहां पे रामगंगा और हम यहां पे उतरे हैं रे पानी भरने का। मैं आपको रामगंगा दिखाती हूं। क्या पापा यहां से पानी भर रहे हैं बोरी जाते। ये राम गंगा है, सर यहाँ पे पूरी खेती होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत उपजाऊ जमीन है, पानी के पास है इसलिए। थोड़ा सा रेस्ट के लिए रुके हैं, मतलब अभी बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, पसीने मेरे गोदी में तो ध्रुव बैठा था इसलिए पसीने पसीने हो गए। तो अभी हम रुके हैं, कुछ खाएंगे देन फिर आगे जाएंगे। ये तो आगे पहुँच चुके दुकान पे। ध्रुव हमने आपको इतना बन रहा है चश्मा पहन के। और ये है मंदिर, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब दुकानें वगैरह सब्जी वब्जी की, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गाड़ी। और आज इतनी शादी है ना, नदी एकदम क्लियर नदी। नमस्कार, समोसा खाएगा फल हमारे गांव के, ये बहुत अच्छे होते हैं बड़ी सब्जी। नदी एकदम क्लियर पानी होता है, यहाँ पे लोग नहाते हैं आराम से इजीली। बुबू और मिल गए, बुबू और की गाड़ी अभी हम जा ही रहे थे वैसे ही। हाँ सेफली पहुँच गए, अभी पहुँचे भी गए मस्त एकदम। नदी दिख रही है और वहाँ पे घोड़े वगैरह चल रहे हैं, मैंने छोड़ दिया वहाँ पे। इतना साफ पानी, तो ठंडा। अभी हम पहुँच चुके हैं लेकिन ऊपर वाले घर में, जी इनका ऊपर वाला घर है। अभी हम नीचे नहीं गए क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है लेक जैसी, और हर यहाँ पे जितने भी गांव हैं उन सब के गाय भैंस यहाँ चल रहे हैं। फ़ोन में तो कम दिख रहा है लेकिन ये बहुत सारे हैं, कुछ यहाँ पे कुछ वहाँ कुछ आगे हैं सारे के ऊपर वाला घर। पहले सिर्फ ये था जब हम छोटे थे, और अब इन्होंने पूरा घर बनवा लिया। अब हम जा रहे हैं आड़ू तोड़ने, आड़ू जो कि मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में दिखाया था, पहाड़ी फल होता है। और इन लोगों ने इतना दूर बाथरूम बना रखा है, पता नहीं क्यों ये लोग बहुत दूर दूर बाथरूम बनाते हैं। अरे वहाँ तो बाथरूम है,
और यहाँ पे इनकी गाय भैंस रहती हैं। यहाँ पे इनकी मंदिर है, ये मंदिर भी बना रखा है। ये आड़ू तोड़ रहे हैं, वो कितने सारे आड़ू लगे हो भाई। कल ये बेचारे आ रहे थे और इनके पेड़ अटक गया, कितने सारे आड़ू, इतने सारे। यहाँ भी है बहुत सारे आड़ू, यहाँ भी ये आड़ू खा ले। इनके खेत। पापा कहाँ से आ रहे हो? ये पापा यहाँ जगह नहीं, फिर भी घुस के आ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं नदी में नीचे को, और इन उबड़ खाबड़ रास्तों से बस गिरने का डर है इनमें, और तो कुछ नहीं। लेकिन ये बहुत गहरी नहीं है, थोड़ी सी है, छोटी सी। ले बहुत ज़्यादा थी लेकिन अभी कम हो गई, जब मैं पहले आई थी ना तभी ज़्यादा थी। इधर उब रेडी हो गया नहाने के लिए, बड़ा ठंडा पानी है लेकिन बहुत ही ठंडा। शाम के 5:42 और हम लोग यहाँ बना रहे हैं मैगी, क्योंकि हमें भूख लग रही है और यहाँ पे कोई नहीं है, तो अभी हम कुछ नहीं है, तो मैं और अरुण भैया मैगी बना रहे हैं। प्लेट वगैरह कुछ नहीं है, तो फिर हम सोच रहे हैं आधे पतीले में इसमें खा लें, आधों में उसमें खा लेंगे, तो अभी इसे बनाते हैं। और इन लोगों ने किचन बड़ा अच्छा ना रखा है, फिर देखो लैस तो लगी नहीं रहा किचन में आके, क्योंकि हम दिल्ली में नहीं हैं, हम गांव में हैं। बढ़िया सिस्टम। हमने खा लिया थी मैगी, अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि आज हम महिला संगीत मतलब डीजे नाइट जिसे बोलते हैं वो है। मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ वो सब, और अभी तो मैं ही रेडी हुई हूँ। ध्रुव रेडी हुआ है, भैया और रेडी हो गए, और जो बड़े वाले भैया हैं यशु भैया, उनके कपड़े नीचे, तो वो नीचे जाके रेडी होंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखते रहिए। आज जंगल के बीच से जा रहे हैं और हमें डर भी है कि कहीं बाघ ना जाए। ये पूरा जंगल, फिर भी 7 लोग हैं। फिर भी अरे दूसरे रास्ते से आए थे, अब दूसरे रास्ते से आ रहे, क्योंकि वहाँ पे पेड़ गिरा हुआ है, और वो भी कांटो वाला। से आगे चल रहे हैं चाचा, फिर तरुण भाई, फिर ध्रुव, फिर मैं, और यहाँ पर रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है। डर भी है यहाँ, शिशोर ना हो बस। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, और ये है दुल्हन जिसकी शादी है। अच्छा। हाँ, इनका हो रहा है फोटोशूट यहाँ पे। अगर डीजे मगर यहाँ पे लाइट नहीं है, अभी सब बैठे हुए हैं कि गाना बजेगा, मगर अभी यहाँ पे लाइट नहीं है और यहाँ पे बच्चे नाच रहे हैं। Yeah.